वन रैंक वन पेंशन का वायदा था, संकल्प था। और उसी में याद हो आप सबको तो जनरल बीके सिंह सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। आज वास्तविक स्थिति क्या है? ये अग्निपथ लागू हो गया अगर तो वन रैंक वन पेंशन का वायदा हो जाएगा नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन 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 विदाउट डायरेक्शन। मैं कोई अपने ऊपर न ले, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूं। 70-71 साल 72 साल का आदमी तो दावा करेगा कि मैं देश सेवा कर रहा हूं। मैं तो राज्यसभा में हूं, बहुत ऊंचे पदों पर संवैधानिक बैठे हुए लोग 71-72 साल में देश सेवा का संकल्प ले रहे हैं चरणों में बैठ के, वो काबिल है कि देश सेवा कर सकते हैं। पर हमारे हिंदुस्तान का नौजवान 22 साल 23 साल 24 साल का भूतपूर्व हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लीजिए इसे, देश की युवाओं को बचाने की आप सबसे भी अपील करता हूं। कल्पना कीजिए कि एक 71 साल 72 साल का आदमी कह रहा है कि हाँ मैं देश की सेवा करूंगा, और 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 18 साल में भर्ती होगा, 4 साल बाद 22 साल 23 साल 24 साल घर चला जाएगा और वो रिटायर्ड होगा। विनम्र आग्रह है, बचा लीजिए देश के नौजवानों को, और नौजवान नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा।